नीमच कृषि उपज मंडी में आज भी लहसुन की बम्पर आवक देखने को मिल रही हैं। तकरीबन 18 से 20 हज़ार बोरी की आवक हुई है और आज कल की अपेक्षा कुछ दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ जो दाम मिल रहे हैं, हालांकि दूसरी मंडियों की अपेक्षा अच्छे मिल रहे हैं। कल हमने देखा था कि कुछ ट्रैफिक की व्यवस्था जो चरमरा रही थी, आज ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी बेहतर देखने को मिली। दोनों ओर लाइनों के बीच में से निकासी की व्यवस्था थी, जिससे जाम के हालात नहीं बने। वहीं दूसरी ओर कल कुछ दिनों से केवल नीचे की साइड ही नीलामी हो रही थी, लेकिन आज शेड में भी मंडी प्रशासन ने नीलामी शुरू कर दी है, जिससे किसानों की जो उपज बाहर लाइनों में लगना पड़ रहा था उनको कुछ राहत मिली और ये शेड में आके उनको अपना माल खाली करने को मिल गया है। आज कुछ किसान हमारे पीछे खड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्या भाव उनकी लहसुन गई, कहाँ से आई, किस तरह की है, क्या है। भाव जी, आपकी लहसुन भी गई क्या? ये गाड़ी वाले अपन तो भैया की लहसुन। अच्छा, क्या नाम है? अनिल। कहाँ से आए हो? पिंजराया से। कहाँ पर आता है ये? धार के पास में। क्या क्या लेके आए थे आप? लहसुन। कौन कौन सी लाया, किस तरह की? ये किसकी है? ये अपनी है। क्या क्या नाम है इसका, वेराइटी क्या है? दूसरी नाम है इस लहसुन का। हाँ, तो ये तो भैया क्या मिक्स है कि बड़ी है? बड़ी 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 लहसुन है ना। तो क्या क्या भाव गई है? ये 11,000। 11,000 गई। क्या उम्मीद थी आप वहाँ से आए तो? क्या उम्मीद लेके आए, कितनी जाएगी? 15,000 तक की तो उम्मीद थी। सही से तो फिर अब कम गई, क्या कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन से आप देख रहे थे ना, लगातार आ रही थी, तो फिर ऐसे में रुकना था? क्या करें फिर सर, खराब रोकेंगे तो भी दिक्कत आएगी। हाँ, ये खराब हो रही थी ना सर, खराब हो गई। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? मनीष पाटीदार। तो पाटीदार जी, आप कहाँ से आए? पिंजराया से, धार जिला से। अच्छा। हाँ, आपके आप भी लहसुन लाए? लहसुन लाए। कितनी? ये 65 कट्टे। 65 कट्टे। हाँ। कौन सी मिक्स है कि सब तरह की? मिक्स है, छोटी बड़ी 2-3 साइज की मिला के ला के आए। सब सब नीलाम हो गई? हाँ, नीलाम हो गई। तो छोटी क्या भाव गई? छोटी गई, छोटी गई ये 7,400 रुपये। ये सब देसी है? 7,400 रुपये। ये फिर भी अच्छी गई है, 7,400 जी। और ये क्या? 11? ये 11,200 रुपये में। इसके अलावा कोई है क्या मीडियम साइज के? मीडियम साइज में सर अपने पास उसको 2 लाट बना के लाए थे, 2 ही लाट है। अच्छा। हाँ, तो क्या उम्मीद थी ये इसकी उम्मीद थी 7,000 की? इसकी उम्मीद तो नहीं थी हम। इसकी क्या उम्मीद थी इसकी? ये 5-6 हज़ार रुपये। तो मतलब वो इधर इधर थोड़ा सा फायदा हो गया, उधर थोड़ा सा नुकसान हो गया, इधर बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा भाव संतुष्ट अच्छा चल रहा है। हाँ, जो 20,000 का मिला था पहले वो कम हो गया, 30 तक चला गया। हाँ, मतलब 15 दिन पीछे चले जाओ तो बहुत अच्छा भाव था। पर क्या, अपने किसानों को माल इतना मिलता नहीं है, टाइम लगता है पकने में। हाँ, वो टाइम निकालना भी, काटना भी बहुत सारा। अभी समय अभी और माल पड़ा घर पे है, अभी और है। कितना होगा? कहीं भी 200 कट्टे। तो आप रोकोगे कि लाओगे? अभी रोकेंगे। रोकेंगे? सब देसी है? देसी ऊटी? नहीं, ऊटी तो नहीं है। नहीं, आपके ऊटी है क्या? क्या नाम है? नाम बताओ। कपिल पाटीदार। तो पाटीदार जी, अपने ऊटी है? नहीं है। नहीं नहीं, ऊटी नहीं है। तो सब देसी है? हाँ, आमलेट ही है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि आप भी इन्हीं के साथ आया था? हाँ, इनके साथ में ही आया था। आपकी कितनी बोरी थी? नहीं, अभी मैं लेके नहीं आया, अभी तो घर पे ही है, भाव देखने के लिए आया था। एक भाव क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। भाव तो टॉप 13-14 हज़ार रुपये तक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ऊटी 13,000 ऊपर जा रही है, 14,000 तक जा रही है। कल 16,000 प्लस गई थी। हाँ, कल 16,000, आज मंदी है, 1,000 रुपये की मंदी बता रहे हैं आज। हाँ, कल उससे पहले मंदी थी, कल अच्छा था। हाँ, कल अच्छा बाजार था, आज थोड़ी सी मंदी बता रहे हैं। आवक भी ज़्यादा हो रही है मंडी? हाँ, आवक तो बहुत ही हो रही है। दिक्कत आ रही है? नहीं, कहीं भी समस्या नहीं। दिक्कत नहीं, नहीं कहीं भी समस्या है। एक चीज़ अच्छी है कि किसान भी संतुष्ट है कि जो दाम मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, और जो मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर भी वो काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। विजित राव महाडिक, टाइम्स।